कांग्रेसी नेता के फरार चल रहे बेटे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि आरोपी छात्र पर प्राण घातक हमला करने के बाद 2 माह से फरार था। मामले को लेकर भिलाई नगर थाना PTI राजेश साहू ने बताया कि रिसाली निवासी आरोपी हिमांशु बंजारे पिता हेमंत बंजारे को पुलिस ने बेमित्रा स्थित अटल आवास से पकड़ा है। उन्होंने बताया कि 5 मार्च को हिमांशु के खिलाफ मानस पांडे ने शिकायत दर्ज करवाई थी कि रात 8:30 बजे चर्च के पीछे आरोपी हरीश यादव, हिमांशु बंजारे व अमन मूर्ति ने मिलकर ऋषु गुप्ता पर धारदार हथियार से हमला किया था। तब से लेकर आरोपी हिमांशु भी फरार था। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने बेमित्रा पहुंचकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी को पकड़ने के लिए साइबर सेल की टीम से भी मदद ली गई। आरोपी का पिता हेमंत बंजारे पूर्व जिला कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष रह चुका है। दिनांक 5/3/2022 को प्रार्थी मानस पांडे थाना में रिपोर्ट दर्ज कराया कि सेक्टर 6 चर्च के पीछे भिलाई में ऋषु गुप्ता को हरीश यादव, हिमांशु बंजारे, अमन मूर्तिकार अविनाश, प्रखर चंद्राकर ये चाकू मार दिया था, जिसे घायल अवस्था में हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, जिसपे 307 का अपराध पंजीबद्ध किया गया था।